रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। मंगलवार को रतनगढ़ जिला बनाऊ संघर्ष समिति की आह्वान पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम SDM अभिलाषा को ज्ञापन सौंपा। जिला बनाने की मांग को लेकर मंगलवार को संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर शहर के बाजार सांकेतिक रूप से बंद भी रखे गए। दोपहर 12 बजे तक व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग का समर्थन किया। वहीं व्यापारियों ने गढ़ के आगे सभा कर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर सैकड़ों लोग मंगलवार को सड़क पर उतर आए तथा रेलवे स्टेशन से उपखंड कार्यालय तक जुलूस निकाल कर रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग की। स्थानीय लोगों ने बताया कि रतनगढ़ भौगोलिक दृष्टि से जिला बनाने के लायक है, इसे जिला जरूर बनाना चाहिए। जिला बनाऊ संघर्ष समिति द्वारा रेलवे स्टेशन से अशोक स्तंभ होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन सौंपने वालों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज संघ दासपी बुद्ध अम्बेडकर समारोह समिति सहित करीब 50 सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बुद्ध अम्बेडकर समारोह समिति के अध्यक्ष पूर्व पार्षद लालचंद पंवार, मनोनीत पार्षद अनिल कुमार श्योता, पार्षद मनीष कुमार मेघवाल, समाज सेवी वेद प्रकाश बंवार, डास्पी के प्रदेश उपाध्यक्ष MR मंडीवाल, JP भाटी, पूर्व पार्षद सुरेश कुमार गारू, फकीर चंद अनोदिया, हेमंत पंवार, गोविंद पंवार, पार्षद खिराज, एडवोकेट पंकज भंडार, एडवोकेट सुशील कुमार बाकुलिया, प्रवेश मरलाल, विष्णु कुमार पंवार, विनोद कुमार पंवार सहित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने रतनगढ़ को जिला बनाने के लिए अपने हस्ताक्षर किए। शहर अपनी पूरी कोशिश कर सकता है। सभी विभागों से निवेदन है कि एक बार इसे सम्मिलित हो और ज्ञापन देने तक अपना प्रतीक स्थान बंद रखेंगे। सभी से सम्मिलित हो, जितने भी व्यापारी है सभी इस सम्मेलन में सम्मिलित हो। जब पड़ोसी पड़ोसी शहर जिसकी भौगोलिक स्थिति बिल्कुल बिल्कुल जिला बनाने वाला एक नहीं है और वो सभी व्यापारी रतनगढ़ चूरू जिले में और राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से जिला बनने में सबसे उचित स्थान है, मगर रतनगढ़ को जिला बनाने से आज तक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए रतनगढ़ की संघर्ष समिति ने आज बहुत ही बड़ा संघर्ष किया है, रतनगढ़ को जिला बनाया जाए व रतनगढ़ को प्राथमिकता दी जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर संजीवाला शर्मा, जो वर्तमान में आम पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं रतनगढ़ की जो संघर्ष समितियाँ, जो हमारे व्यापार मंडल, जो सभी ने आज ज्ञापन दिया है, मैं उन्हीं के सभी के सहयोग से और उनके सभी के साथ मिलकर आज मैंने 3 दिन का यहाँ धरना दिया है। 3 दिन में हमारी बात का हमारा समाधान होगा या हमें आश्वासन मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और रतनगढ़ को जिला बना के ही रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, जिला बनाने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए और एक एक बच्चे के रगों में ध्यान में है कि रतनगढ़ जिला बने। अगर रतनगढ़ में अभी बचा गया, आप ये देखिए, ये पासी में राजनगर 15-20 किलोमीटर पे तहसील बना दिया गया, डेरा हमारा जो कलेजा है पास ही में है, रतनगढ़ गया, उसको भी उसमें डाले। रतनगढ़ के पास है क्या? आप सोच कर बताए, रतनगढ़ तहसील के पास है क्या? आज रतनगढ़ का ये जो हल कर दिया, इससे अच्छा है कि हमें लूच के नीचे दे दिया जाए। लूच, अगर लूच के नीचे, अरे ग्रामीण फायदा तो मिलेगा ना हमें। अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे इस रतनगढ़ को। केंद्र प्रशासित देश हमें जरूरत नहीं है राजस्थान की, अरे जयपुर सरकार की। धन्यवाद। जय भीम।